दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर रिसेंटली कंडक्टेड टोक्यो ओलंपिक्स तक, महाभारत वॉर से लेकर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तक, यदि इंडिया में किसी स्टेट ने अपना प्रेजेंस बनाए रखा है तो वो है हरियाणा। इंडिया के नदन पार्ट में लोकेटेड हरियाणा की स्थापना सेपरेट स्टेट के तौर पे 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हुई थी, जहां इससे पहले हरियाणा ने पंजाब का हिस्सा बने रहते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया था। वहीं 1966 से हरियाणा ने अपनी जर्नी एक सेपरेट स्टेट के तौर पे कवर की है। दोस्तों, आज हरियाणा इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट बन चुका है, जिसने सबसे पहले 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव की थी। इसके अलावा हरियाणा इंडिया की जीडीपी में 3.6% का योगदान करता है और स्टेट की ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से ऊपर लगभग 13% रही है। आज हमारी इस वीडियो का मकसद हरियाणा का एनालिसिस करना है, जहां हम इस स्टेट से जुड़े मल्टीपल डायमेंशंस को समझेंगे। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम हरियाणा की एंशियंट हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट डे की जर्नी पर नजर डालेंगे और ये भी समझेंगे कि आने वाले समय में हरियाणा इंडिया में क्या रोल प्ले कर सकता है। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, हरियाणा की हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ट्रेस की जा सकती है। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित राखीगढ़ी और फतेहाबाद में स्थित भिराना 9000 ईयर से भी ज्यादा पुराने इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हैं, जहां कई हिस्टोरिकल एविडेंस मिले हैं। पेव्ड रोड, ड्रेनेज सिस्टम, टेराकोटा ब्रिक्स और रेन वाटर कलेक्शन फैसिलिटीज जैसे एविडेंसेस और रिसेंट एक्सकेवेशंस को देखते हुए राखीगढ़ी को कई आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा हरप्पन सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट क्लेम किया जा रहा है। आगे चलकर वैदिक एरा के दौरान हरियाणा कुरु किंगडम का हिस्सा हुआ करता था, जो उस समय में महान महाजनपदों में से एक था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। यदि मेडिवल टाइम्स की बात की जाए तो हरियाणा समेत नदन इंडिया में 7th सेंचुरी के अराउंड पुष्याभूति डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, जिसकी कैपिटल हरियाणा स्थित थानीसर हुआ करती थी। सम्राट हर्षा को पुष्याभूति डायनेस्टी का सबसे महान राजा माना जाता है। 10th सेंचुरी के अराउंड हरियाणा ने तोमर डायनेस्टी का शासन देखा, जिनमें अनंगपाल तोमर सबसे महान राजा हुए। आगे चलकर हरियाणा में तिमूर का इन्वेजन हुआ। 1398 में हुए इस इन्वेजन में सिरसा, फतेहाबाद, कैथन और पानीपत जैसे शहरों को तबाह किया। तिमूर के इन्वेजन के दौरान हरियाणा में हजारों लोगों की जाने गईं और उन्हें लूटा गया। तिमूर इन्वेजन को जाटों और अहिरों द्वारा रेजिस्ट किया गया, लेकिन ये कोशिश नाकामयाब रही। मुगल साम्राज्य के दौरान भी हरियाणा एक स्ट्रेटजिक लोकेशन बना रहा। हरियाणा के पानीपत ने इंडियन इतिहास के कुछ डिसिसिव बैटल्स देखे। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने 1526 में लोधीस को हराकर इंडिया में मुगल रूल को कायम किया। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को डिफीट कर दिल्ली पे मुगल रूल को दोबारा एस्टैब्लिश किया। और पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया। एंशियंट हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक हरियाणा ने इंडिया में हुए हर एक फॉरेन इन्वेजन को विटनेस किया। इसके कई कारण हैं, जिनमें हरियाणा की ज्योग्राफी सबसे महत्वपूर्ण है, जहां एक ओर इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट के दूसरे हिस्से या तो रेत या तो पहाड़ों से ढके हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब एक समतल जमीन पर हैं, जो आर्मी के मूवमेंट के लिए कंड्यूसिव था। इसके अलावा इस रीजन की फर्टिलिटी और कल्टीवेशन के कारण यहां सेनाओं की फूड और वाटर नीड पूरी हो जाती थी। दिल्ली रूलर्स के लिए भी हरियाणा एक परफेक्ट लोकेशन रहा है, जहां वो दिल्ली से सप्लाई एंश्योर करते हुए अपने शहर से दूर दुश्मनों से जंग कर सकते थे। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन के तहत 1 नवंबर 1966 के दिन हरियाणा सेपरेट स्टेट के तौर पे एग्जिस्टेंस में आया। इस सेपरेशन को अंजाम देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने शाह कमीशन को सेटअप किया था, जो पंजाब स्टेट से लैंग्वेज के बेसिस पर हरियाणा को अलग करने वाली थी। हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक और करनाल जैसे डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील्स को पंजाब से सेपरेट कर हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ, जिसके पहले सीएम श्री भगवत दयाल शर्मा बने। हरियाणा और पंजाब के लिए आज चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी को एज अ कैपिटल असाइन किया गया है, जिसे दोनों स्टेट शेयर करते हैं। दोस्तों, हरियाणा में 1950 से ही एग्रीकल्चर स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे एक बड़ा ड्राइवर रहा है। इस डेवलपमेंट को कुछ फेजेस में समझा जा सकता है।
पहले फेज में 1951 से 1966 के बीच पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ने के कारण हरियाणा ने नेट सोन एरिया का स्लो एक्सपेंशन देखा। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, वाइड स्प्रेड इरीगेशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन ने फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए 1950 से 1960 के बीच नेट सोन एरिया 3 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 3.4 मिलियन हेक्टेयर किया। डबल क्रॉपिंग सिस्टम के एडॉप्शन से इसी पीरियड के बीच क्रॉपिंग इंटेंसिटी 116% से बढ़कर 135% हुई। 1960 से 1966 के बीच हरियाणा में नेट इरिगेटेड एरिया भी 30% से बढ़कर 38% हुआ। दूसरे फेज में 1966 से 1971 के बीच हरियाणा ने ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक्सपेंशन देखा। मिड 1960s में सीवियर फूड क्राइसिस फेस करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को पुश दिया, जिससे हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के रीजन में फूड प्रोडक्शन की इंक्रीमेंट हुई। ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट द्वारा वीट प्राइसेस के रेगुलेशन ने हरियाणा की इकोनॉमी बूस्ट की। इसी दौरान गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड मार्केट्स और सरप्लस सप्लाईज को पब्लिक प्रोक्योरमेंट एजेंसीज द्वारा परचेस किया जाना फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ। दोस्तों, ग्रीन रिवॉल्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के कारण हरियाणा में 1966 से 1971 के बीच नेट सोन एरिया का 5% से ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। हरियाणा ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के थर्ड फेज के अंडर 1971 से 1981 के बीच वीट रिवॉल्यूशन का कंसोलिडेशन देखा और इसी दौरान राइस वीट रोटेशन की भी शुरुआत हुई। इस फेज के दौरान राइस कल्टीवेशन के लिए अलॉटेड एरिया का सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंट हुआ, जहां 1971 तक राइस कल्टीवेशन एरिया लगभग 2.9 लाख हेक्टेयर्स हुआ करती थी, वहीं 1981 तक ये बढ़कर लगभग 5 लाख हेक्टेयर्स हो गई। इसी दौरान एरिड और सेमी एरिड एरियाज में ट्यूबवेल्स के थ्रू ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन भी शुरू हुआ। वीट और राइस के लिए दिए जाने वाले प्राइस सपोर्ट ने राइस वीट क्रॉप रोटेशन फार्मर्स के लिए एक ल्यूक्रेटिव प्रोपोजिशन बनाया। इन ग्रोथ के फेजेस को देखने के बाद अगले दो फेजेस में हरियाणा ने इंटेंसिव कल्टीवेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को विटनेस किया। 1981 से 1991 के बीच जहां ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और सॉइल डिग्रेडेशन जैसे इश्यूज सामने आए, वहीं 1990s में हरियाणा के मेजर सीरियल क्रॉप्स या तो स्टैग्नेशन स्टेज पे थे या डिक्लाइन कर रहे थे। इन फेजेस के दौरान हरियाणा के कई रीजन्स ने एक्यूट वाटर क्राइसिस भी फेस की, जिसके कारण वीट पर हेक्टेयर की वैल्यू तो इंक्रीज हुई, लेकिन उसी पीरियड में राइस पर हेक्टेयर की वैल्यू ने डिक्लाइन शो किया। दोस्तों, सब के बावजूद हरियाणा आज फूड प्रोडक्शन के मामले में एक सेल्फ सफिशिएंट स्टेट है और इंडिया के फूड ग्रेन्स के सेंट्रल पूल का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। हरियाणा के पास इंडिया के टोटल एरिया का केवल 1.5% है, लेकिन आज वो इंडिया के टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 15% कंट्रीब्यूट करता है। अपने फाउंडेशन के बाद से आज तक हरियाणा का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 7 टाइम्स हो चुका है। डेटा के मुताबिक हरियाणा ने 2015 से 16 में लगभग 1.3 करोड़ टन वीट, 41 लाख टन राइस, 71 लाख टन शुगर केन, 9.9 लाख टन कॉटन और 8.5 लाख टन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किए। इसके अलावा वेजिटेबल प्रोडक्शन में पोटैटो 8.5 लाख टन, अनियन 7 लाख टन, टोमेटो 6.75 लाख टन, कॉलीफ्लावर 5.78 लाख टन, लीफी वेजिटेबल्स 3.7 लाख टन, ब्रिंजल 3.3 लाख टन, गार्ड 3 लाख टन और पीज 1 लाख टन प्रोड्यूस किए। दोस्तों, यदि हरियाणा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की जाए तो 1966 तक इस रीजन की मैक्सिमम इंडस्ट्रीज पंजाब में लोकेटेड थी। इसके अलावा हरियाणा रीजन में प्रेजेंट इंडस्ट्रीज भी केवल भिवानी और महेंद्रगढ़ तक सीमित थी, लेकिन 1960s के बाद ये सिचुएशन बदलने लगी। स्टेट गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज परस्यू करते हुए स्टेट के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया और दिल्ली से क्लोजनेस से एडवांटेज को ग्रेटर इंटेंसिटी से रीप करने के प्रयास किए। फरीदाबाद के अलावा हरियाणा में गुड़गांव का राइज हुआ। दिल्ली एनसीआर के पास डेवलप किए गए इस इंडस्ट्रियल सेंटर ने समय के साथ अपनी एक कमर्शियल और बिजनेस इमेज इंडिया समेत पूरे वर्ल्ड में बनाई। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट्स एक्सपोर्ट के अलावा गुड़गांव आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सर्विसेज बेस्ड इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क बन चुका है। हरियाणा में स्थित यमुनानगर के शुगर मिल्स और पेपर मिल्स एशिया में अपना नाम बना रहे हैं। इसके साथ यमुनानगर के थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और स्टील ब्रास इंडस्ट्रीज ने भी हरियाणा के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट प्रोवाइड किया है। पानीपत में स्थित इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी है।
पंचकुला में गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट किए जाने के बाद आईटी सेक्टर और बीपीओ सर्विसेज का राइज हुआ, जिससे आईटी पार्क और नैनो सिटी ने प्रमोट किया। दोस्तों, इन सारे डेवलपमेंट्स ने हरियाणा की इकोनॉमी को नई बूस्ट प्रोवाइड की। एडवांस एस्टिमेट्स के मुताबिक 2021 से 22 के दौरान स्टेट जीडीपी 8.8 लाख करोड़ रहने की उम्मीद है। करंट प्राइसेस के अनुसार हरियाणा की जीडीपी 2021 से 22 में 15.8% तक ग्रो करने की उम्मीद है। हरियाणा आज कई लार्ज ऑटोमोटिव कंपनीज को होस्ट करता है। इंडिया में प्रोड्यूस टोटल पैसेंजर कार्स का 2/3, ट्रैक्टर्स का 50%, मोटरसाइकिल्स का 60% और रेफ्रिजरेटर्स का 50% केवल हरियाणा में मैन्युफैक्चर होता है। हरियाणा ने इलेक्ट्रिक मशीनरी और इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया है। गवर्नमेंट सोर्सेज के अनुसार हरियाणा ने लास्ट ईयर $325.36 मिलियन के इलेक्ट्रिकल और कंपोनेंट एक्सपोर्ट किए थे। इसके साथ हरियाणा ने 12,480 मेगावाट की पावर जनरेशन कैपेसिटी भी इंस्टॉल की है, जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एक रिलायबल पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। दोस्तों, हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट बिजनेस को इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2011 के अंडर कई फिजिकल और पॉलिसी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हरियाणा ने आईटी और टूरिज्म के लिए कई सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज भी प्रमोट किए हैं। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HSIIDC आज स्टेट की प्रीमियर इंडस्ट्रियल प्रमोशन और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एजेंसी है, जो हरियाणा में इन्वेस्ट करने वाले एंटरप्रेन्योर्स को रिलायबल और एफिशिएंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT के अनुसार हरियाणा ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के दौरान $1.7 बिलियन की FDI इनफ्लो विटनेस की। दोस्तों, इन डेवलपमेंट्स के आंकड़ों के बावजूद हरियाणा आज कई इश्यूज फेस कर रहा है। गवर्नमेंट डेटा के अनुसार हरियाणा आज भी वर्स सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो से जूझ रहा है। स्टेट एवरेज के अनुसार हरियाणा में 1,000 बॉयज में 906 गर्ल्स का जन्म हुआ है, जो पिछले कुछ सालों में लोवेस्ट है। सेंसस 2011 के अनुसार हरियाणा का चाइल्ड सेक्स रेशियो 834 और सेक्स रेशियो 879 था, जो कई स्टेट से काफी कम है। हरियाणा के इस लैगिंग रिकॉर्ड के पीछे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे पलवल, कैथल, झाझर और सोनीपत का योगदान है। इसके अलावा हरियाणा में विमेन के अगेंस्ट क्राइम रेट भी काफी हाई है। 2016 में रिलीज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने इंडिकेट किया था कि गैंग रेप्स के टर्म में हरियाणा वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में से एक है। फीमेल फॉर्टिसाइड और लैक ऑफ फीमेल्स के कारण हरियाणा में विमेन की वाइड स्प्रेड ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा हरियाणा ने लगातार बढ़ते रेवेन्यू डेफिसिट को भी देखा है, जिसे कोरोना वायरस पैंडेमिक ने फर्दर इंक्रीज किया है। दोस्तों, यूं तो हरियाणा इंडिया में एक लीडिंग एग्रीकल्चरल स्टेट है, लेकिन समय के साथ एक्सेसिव फार्मिंग और इरेशनल फर्टिलाइजर यूज के कारण एग्रीकल्चर आज नॉन प्रॉफिटेबल होता चला जा रहा है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण हाई इनपुट कॉस्ट है। पिछले 4 दशकों में हरियाणा का ग्राउंड वाटर लेवल भी 50% से ज्यादा ड्रॉप हुआ है, जिसने फार्मर के लिए मुसीबतें और बढ़ाई हैं। इन सब के साथ डिवाइसिव पॉलिटिक्स ने हरियाणा में कास्ट इशू को भी प्रमोट किया है, जिसके कारण आज इंटर कास्ट राइवलरी हरियाणा में गहरी हो चुकी है। इंडस्ट्रियल राइज और स्टबल बर्निंग ने हरियाणा में एनवायरमेंट के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। दोस्तों, हरियाणा के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर गवर्नमेंट आज कई स्टेप्स ले रही है, जिससे एक तरफ स्टेट की डेवलपमेंट को फर्दर बूस्ट मिलेगा, वहीं दूसरी ओर स्टेट के कई इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे। गवर्नमेंट ने स्टेट में विमेन रिलेटेड इश्यूज को कर्ब करने के लिए आज कई स्कीम्स रन कर रखी हैं, जिससे सोसाइटी में विमेन की कंडीशन इम्प्रूव की जा सके। अपनी बेटी अपना धन, लाडली स्कीम, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, देवीलाल राष्ट्रीय उत्तन एवं परिवार कल्याण योजना, देवी रूपक और ऐसी कई स्कीम से स्टेट में गर्ल चाइल्ड को लेकर कई हेल्प प्रोवाइड की जा रही हैं। वहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हायर कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस टू SC/BC कैंडिडेट्स थ्रू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज बाय सेटिंग अप एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और स्कीम ऑफ हॉस्टल्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, बॉयज एंड गर्ल्स जैसी स्कीम्स की मदद से बच्चों के एजुकेशनल और ओवरऑल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है। गवर्नमेंट ने स्टेट में प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स की हेल्थ को प्रायोरिटी असाइन करते हुए मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना भी लॉन्च की है, जिससे उन्हें फ्री मिल्क प्रोवाइड होगा।
रूरल एरियाज में सेफ वाटर की कम अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च नलका योजना रूरल एरियाज में टैप वाटर प्रोवाइड करने के लिए टारगेटेड है। एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी पर फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स जैसे फ्री स्विंग मशीन स्कीम, हैंडीकैप्ड पेंशन स्कीम, आत्मनिर्भर हरियाणा लोन स्कीम जैसे इनिशिएटिव्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए मानेसर और गुरुग्राम के आसपास ग्लोबल सिटी और कई टाउनशिप सेटअप करने के प्लान में है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की मदद से स्टेट में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जा रहा है, जो स्टेट से पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के फीडर लाइन का काम करेगी। सोनीपत और सोहना के पास इंडस्ट्रियल और कमर्शियल टाउनशिप का डेवलप होना भी स्टेट के इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट प्रोवाइड करेगा। स्टेट की पोटेंशियल और नीड्स को समझते हुए स्टेट में नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जा रहा है। ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे समेत ऐसे कई प्रोजेक्ट आज स्टेट में NHAI द्वारा प्लान और एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, जो हरियाणा के मल्टीपल लोकेशंस के बीच इजी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, इन सब के अलावा हरियाणा ने स्पोर्ट्स डोमेन में भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हरियाणा के स्पोर्ट्स पर्सन ने हर एक डोमेन में सारे प्लेटफॉर्म्स पे हरियाणा का नाम रोशन किया है। कपिल देव से लेकर नीरज चोपड़ा तक ने हरियाणा समेत पूरे भारत का दुनिया में सर ऊंचा करवाया है। स्टेट के इस पोटेंशियल को टैप करने के लिए गवर्नमेंट कई इनिशिएटिव्स ले रही है। 2006 से ही गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च्ड फॉर्मल स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव, एक्शन प्लान, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा शामिल है। गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड को समझते हुए कई स्पोर्ट्स नर्सरीज का सेटअप किया है, जहां फ्री हॉस्टल्स, गेम्स किट और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक स्टेडियम्स के सेटअप ने भी हरियाणा में स्पोर्ट्स को बूस्ट प्रोवाइड किया है। वैसे प्लेयर्स जो इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल विन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाले कैश प्राइजेस और दूसरे इंसेंटिव्स ने सपोर्ट प्रोवाइड किया है। परफॉर्मिंग प्लेयर के लिए गवर्नमेंट जॉब्स भी हरियाणा में स्पोर्ट्स को अट्रैक्टिव बनाने का काम करती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी हरियाणा की, जिसने 1966 में अपने फॉर्मेशन के बाद से लेकर आज तक ये अनोखा सफर तय किया है। एक ऐसा स्टेट जो प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर बेस्ड था, उसका इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर में लीड करना आज सारे इंडिया के लिए एग्जांपल सर्व करता है। दोस्तों, हरियाणा की इस कहानी में आपको सबसे आकर्षक बात कौन सी लगी, और आपके हिसाब से हरियाणा को अभी कौन से सेक्टर में और काम करने की जरूरत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।